हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे ओ नास पीटी, जब देखो कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देती है। हर वक्त काम बताना पड़ता है। अगर मैं अच्छे से कुछ ना देखूं, तो फिर तो काम चोरी करेगी। और ये खाने में घी इतना कम क्यों डाला है? जाकर घी ला, मुझे और घी वाला खाना खाने का मन है। खुद जाकर ले आइए, मुझसे घी के डब्बे कभी इधर कभी उधर करना नहीं होगा। खाना खाने बैठी हूँ, शांति से खाने भी नहीं देती। आपको अगर इतना ही मन कर रहा है ना, तो उठाइए अपने दो पैर और चलते हुए जाइए रसोई में और घी लेकर आइए। अरे कैसी उल्टी बातें कर रही है बहू, तेरी सासों, थोड़ा ढंग से पेशा। देख रहा है विनोद, कैसे बातें कर रही है तेरी बीवी, हमेशा उल्टा जवाब देती है। हाँ तो क्या करूँ, आपकी डांट सुनती रहूं, दिन भर घर के जैसे काम करती हूँ और रात को खाने के वक्त पर आपको ज्यादा घी खाने का मन करता है। आपको मेरा शांति से बैठकर खाना खाना पसंद नहीं है क्या? देख बेटा कैसे जुबान लड़ा रही है, कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? अरे बस 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 कीजिए आप लोग। अरे मुझे कुछ मत कहिए, मैं आपकी तरफ भी नहीं हूँ और इसकी तरफ भी नहीं हूँ। अरे मुझे आप लोगों के झगड़े में नहीं पड़ना है। अरे मैं क्यों पड़ूंगा, बेवजह फंसना थोड़ी है मुझे। इसकी तरफ से बोलूंगा तो आप सुनाओगी, आपकी तरफ से बोलूंगा तो ये सुनाएगी। और हाँ, मैं रोज सोचता हूँ घर जाऊंगा, चैन से खाना खाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा, लेकिन नहीं। विनोद बिना कुछ खाए अपने कमरे में चला जाता है और पीछे पीछे वंदना भी चली जाती है। मालिनी भी अपना मुंह बनाते हुए अपने कमरे में जाती है। अगले सुबह वंदना घर का सारा काम करके खुद के लिए चाय बनाकर पीते हुए सोफे पर बैठती है, तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। हे भगवान, ये क्या था? लगता है कुछ टूट गया, लेकिन क्या? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? दो पल की भी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई आपसे मेरी, बस चैन की सांस ही तो ले रही थी कि सासू माँ का चश्मा टूट गया। जैसा चश्मा टूटा है वैसे ही अब वो मेरी हड्डी तोड़ेगी। माँ जी को भी ना जाने होश ही नहीं रहता कि क्या चीज कहाँ रखती है, कुछ पता ही नहीं। अब चश्मे के बिना तो उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं, और माँ जी जब उठेंगी तो सीधा मेरा गला पकड़ेंगी। वंदना सोच ही रही थी कि तभी मालिनी वंदना को बुलाती है। बहू, अरे ओ बहू, मेरा चश्मा तो पकड़ाना जरा। हे भगवान, इस चश्मे के बिना तो पूरी दुनिया अंधी लगती है, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। अरे ओ बहरी, सुनाई देता है कुछ? कब से चश्मा मांग रही हूँ। क्या हुआ माँ जी? अगर आप एक दिन बिना चश्मे के रह लेंगी तो क्या हो जाएगा? बाद में चश्मा ढूंढ लूंगी, तब तक ना आप सुबह की प्राकृतिक हवा अपनी आँखों पर ना लगने दो, ताकि आँखों की सारी दिक्कत खत्म हो जाए। ओहो क्या बात है बहू, कल रात तो जहर उगल रही थी, तो आज क्या हुआ अचानक से इतना प्यार बरसा रही है? पक्का कुछ काम बिगाड़ा होगा तूने। लो कर लो बात, अब तो किसी के बारे में अच्छे सोचना भी नहीं चाहिए। माँ जी, मेरी ना बस जुबानी कड़वी है, लेकिन मैं दिल की बहुत साफ और कोमल हूँ। आपसे ना कितना भी झगड़ लूँ, लेकिन फिकर तो करती हूँ ना आपकी। अच्छा, आज ये फिकर कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? अब बातें बनाना बंद कर और जाकर वही कर, जाकर मेरा चश्मा लेकर आ। याद तो है ना, कल तूने ही रखा था मेरा चश्मा। क्या माँ जी, आप भी कब से चश्मा कर रहे हो? जाइए, जाकर बाहर का नजारा खुली आँखों से देखिए। प्रकृति को खुली आँखों से देखना कितना अच्छा होता है, आपको पता है? और ये चश्मे के बाद आप जब से उठी हो, भगवान का इतना नाम नहीं लिया है आपने जितना आप चश्मा कर रही हो। जाइए, जाकर नहा लो, तब तक ना मैं चाय लेकर आती हूँ। बात तो तू सही कह रही है बहू, ठीक है मैं जाकर नहा ही लेती हूँ और फिर जाकर सारा काम करूँगी, पूजा पाठ भी करना है। ठीक है मैं नहा कर आती हूँ, तब तक तो पूजा की तैयारी कर। सास की नहाने जाते ही वंदना सोचते हुए काम करने लगती है। अगर माँ जी को पता चला कि चश्मा टूट गया है तो क्या होगा? कुछ देर बाद मालिनी पूजा करने आती है तो देखती है कि बहू पूजा कर रही है, तभी मालिनी कहती है, बहू मुझे चश्मा ला कर दे, कब से मांग रही हूँ और तू है कि मुझे दे ही नहीं रही है। चश्मा?
माँ जी, अरे माँ जी आप पूजा कर रही हैं और मैं भी पूजा कर रही हूँ, आप आंखें बंद करके पूजा पे फोकस कीजिए ना। अरे कैसे फोकस करूँ, जब तक भगवान जी को ना देख लूँ तब तक पूजा कैसे सफल होगी। ला बहू मुझे चश्मा दे दे, भगवान जी की दर्शन कर लूँ। अरे माँ जी दर्शन करने के लिए चश्मे की क्या जरूरत है, मन की आंखों से देखिए, खुली आंखों से तो हमेशा देखती हो, आज आप मन की आंखों से देखो, देखना आज भगवान ना आपको पक्का दर्शन देंगे और अपने पास बुला लेंगे, मेरा मतलब है आपके सामने आ जाएंगे। अरे कब से तू मुझे गोल गोल बातों पर घुमाए जा रही है बहू, आखिर बात क्या है? बात, अरे माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आरती पूरे घर में ना घुमा के आती हूँ, आप बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ जाना, उसके बाद मैं वहीं आपको नाश्ता दूंगी। वंदना जल्दी उठकर आरती ले जाती है तो वहीं मालिनी देखती रहती है। कुछ देर बाद वंदना घर में झाड़ू लगा रही थी तभी मालिनी वहां आती है, जिसे बिना चश्मे के कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसके पैर से सारा कचरा फैल जाता है और वंदना को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी आपको दिखाई नहीं देता क्या? देख रही हो ना आप, कब से मैं काम कर रही हूँ लेकिन आप आके पूरे घर में कचरा फैला रही हो, अब घर को दोबारा साफ कौन करेगा, जरा देख के नहीं चल सकती क्या? बहू कैसे देख कर चलूं जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कब से तुझे बोल रही हूँ बहू मेरा चश्मा दे दे, लेकिन नहीं, तेरे कानों में जू तक नहीं रेंगती, अब बता मैं कैसे देखूं अगर तू मेरा चश्मा नहीं देगी तो। कोई बात नहीं माँ जी, बिना चश्मे के आपको दिखता का है, एक बार साफ किया है तो दोबारा से साफ कर लूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुन मेरी बात, पहले ये सब काम छोड़ दे और मेरे लिए सबसे पहले गर्मा गर्म चाय बना दे, रसोई में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, भगोना कौन सा है, चीनी कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, जा बहू जाकर सबसे पहले मेरे लिए कड़क चाय बना दे। अरे माँ जी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार मुझे बता देना, मैं फटाफट आपका सारा काम कर दूंगी, जब तक आपके चश्मे आपको नहीं मिल जाते तब तक मैं आपकी आंखें बन के रहूंगी। ऐसे ही दिन भर अपनी सास की आंखें बंद कर उसका सारा काम करने लगती है वंदना। अब चश्मा तोड़ने की सजा तो मिलनी ही थी। कुछ देर बाद जब वंदना बैठकर आराम से चाय की चुस्की ले रही होती है तभी उसकी सास हाथ में सुई धागा लेकर उसके पास आती है। अरे मेरे दो नयन क्या कर रही है, चल बहू अब इस सुई में धागा डाल दे, कुछ काम है। लेकिन माँ जी सुई में धागा क्यों डालना है अभी, और क्या सिलना है इस वक्त आपको? अरे बहू पागल हो गई है क्या, अभी तक तो तूने मेरे चश्मे नहीं दिए और कुछ देर पहले कह रही थी माँ जी मैं आपकी दो नयन बन कर रहूंगी, जब नयन बन गई है तो काम भी कर ले, चल चल कर मेरी साड़ी में फॉल लगा दे। क्या माँ जी एक फॉल सिलने की क्या जरूरत है, दर्जी है ना उसे दे दो, अब एक फॉल के चक्कर में आप अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे बहू मुझे पता है एक फॉल में वक्त बर्बाद होगा, तभी तो मैंने चार साड़ियाँ निकाली है, चल चल कर लगा दे फॉल, अब मुझे नहीं दिख रहा है तो तू ही तो मेरी आँखें है। लेकिन माँ जी इतनी फॉल लगाने बैठूंगी तो रात हो जाएगी और रात में मुझे काम भी करना पड़ेगा, तो मुझे जब वक्त मिलेगा ना मैं तब लगा दूंगी। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अब भी सिल कर दे। वंदना बेचारी साड़ियों में फॉल्स लगा रही थी तभी उसकी सास घर को जानबूझकर गंदा करती है और वंदना को बुलवाकर साफ करवाती है। मालिनी को बहुत मजा आ रहा था अपनी बहू को तंग करने में। कुछ समय बाद खाने की टेबल पर जब मालिनी अपने खाने में पानी गिरा देती है तब वंदना कहती है, क्या माँ जी आप क्या कर रहे हो, कुछ पता है आपको? हाँ मैंने खाने में दाल डाल दी और क्या। अरे माँ जी वो पानी था, ठीक है मैं आपके लिए दूसरा खाना लेकर आती हूँ। क्या बात है माँ, आप दोनों सीधे मुँह कभी मुझसे बात क्यों नहीं करती हो, आज क्या हुआ है, वंदना बदली बदली से क्यों लग रही है? बस बेटा देखता जा तू सब पता चलेगा, और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है बहू को तंग करने में। ठीक है माँ, लेकिन सबसे पहले ना आप मेरा एक काम कर दीजिए, मुझे अभी कहीं बाहर जाना है और मेरी शर्ट का बटन टूट चुका है, तो आप बटन लगा दीजिए, वंदना तो बिजी है।
विनोद अपनी माँ को शर्ट ला कर देता है और वो बटन लगाने लगती है। अंधी आँखों से सास को शर्ट का बटन सिलता देखकर वंदना कहती है, माँ जी आप देख सकते हो वो भी बिना चश्मे के कैसे? हाँ बहू, मैं बिना चश्मे के भी देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे चश्मे के साथ लेंस भी लगवाया था और मैं तो बस तेरे मजे ले रही थी। तुझे घर का सारा काम करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा चश्मा टूट गया है वो मुझे पता था। हाँ हाँ, आप तो मजे ही लेंगी, कितना परेशान किया है आपने मुझे। बेचारी वंदना चुपचाप अपने सर को झुकाए काम करने चली जाती है। अब दोबारा सास से पंगे लेने की वो सोचती तक नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।